प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी को, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और ये इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार शाला खान को, जिसमें ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर मोदी जी वर्सेज राहुल गांधी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत जी। हमारा कहते हैं ना कि शो का आगाज ही बड़ा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे एक जलेबी की। ये जलेबी हर एक ने आज स्टेटस पे लगाई हुई है, जो है यूट्यूब कम्युनिटी पे जलेबियां बांटी जा रही है, जलेबियां खाई जा रही है, राहुल गांधी को जलेबी के साथ टैग किया जा रहा है। मैं आज कोई इंट्रो नहीं करूंगी, पहले तो नाज़िया जी से रिक्वेस्ट करूंगी ये जलेबी का क्या सस्पेंस है जरा हमें भी बताएं, और साथ आपको जलेबी के साथ आज वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। एक्चुअली राहुल गांधी को जलेबी की तरह जनता को घुमाना बहुत अच्छा लगता है। कभी वो खटाखट 1 लाख रुपए जनता को बोगस बांटते रहते हैं, कभी उनकी प्रियंका वाड्रा बहन जो है 1500 रुपए बांटते रहती हैं, और कभी वो हवाओं में तीर छोड़ छोड़ करके कहते हैं कि आलू डालेंगे तो सोना निकालेंगे। उसी तरीके से हरियाणा की 14 रैली जो राहुल गांधी जी ने किया, तो उसमें से एक रैली में उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री बनाने का ख्वाब हरियाणा के गरीब लोगों को दिखा डाला। जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे वो, और सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, उस पर एमएसपी लागू करवाएंगे, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे, जलेबी को वो एक्सपोर्ट करवाएंगे अमेरिका, लंदन, क्वार्सिका, स्विट्जरलैंड, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे। और जलेबी की जो फैक्ट्री बनेगी उसमें 20-20 लाख जो वर्कर है वो काम करेंगे, और बड़े बड़े कंटेनर में एयरवे के जरिया से, फ्लाइट एयरवे कार्गो के जरिया से जलेबी जाएगी। और इस तरीके से हरियाणा के गरीब, हरियाणा के वो हलवाई जो छोटी दुकानों में जलेबी बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाएंगे, जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो विदेशी मुल्कों से हो जाएगा जलेबी के जरिया, जलेबी बिजनेस के जरिया। इवन उन्होंने ये भी कह डाला कि हम कोशिश करेंगे कि किसी खाद से जलेबी खेत में कैसे उगाई जाएगी। आप मजाक कर रही है मेरे साथ? नहीं, आई स्वेर राहुल गांधी ने, आप गूगल में सर्च कर लीजिए राहुल गांधी जी जलेबी, मतलब कि जलेबी कौन, 20 लाख वर्कर जलेबी तो एक ऐसी स्वीट है जो कि फौरन से पकती है और फौरन से खाई जाती है, ठीक है, ये इतनी बड़ी प्लानिंग है जलेबी के लिए, ये तो हॉलीवुड फिल्म से भी बड़ा है, वो जो खजाना ढूंढने से। तो ये है वो जलेबी वाला सीन। हाँ, एक्चुअली में, और जब राहुल गांधी जी ने ये बात कहा था तो हमने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया था। अच्छा, उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया था, बल्कि हमने सिर्फ पता लगाया था कि जिस जलेबी दुकान को का वो प्रचार कर रहे हैं, और जिस जलेबी दुकान वाले को का नाम वो ले रहे थे मंच पे, जब उससे जाकर के पत्रकारों ने, भारत के पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो वो कहे कि ये हमारे दुकान की नहीं है, किसी और दुकान की है, उन्होंने नाम मेरा लिया है। तो आप सोचो कि ये जलेबी बनाते बनाते राहुल गांधी जी खुद जलेबी की तरफ, जनता को जलेबी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जनता को कहीं ना कहीं वो इतना गोल गोल घुमा दिए हैं कि हरियाणा की जनता ने उनको हरा करके उनके मुंह पर थप्पड़ मारा कि ले भैया अब तो ही जलेबी खा। मतलब जलेबी वाला इतना लंबा प्लान, ये तो मुझे लगा कि एलन मस्क ने अपनी कंपनी खोलने के लिए भी इतना नहीं सोचा होगा, जलेबी आएगी, जलेबी बनेगी, फिर हवा में जलेबी इधर उधर जाएगी, फिर वो जलेबी 20 लाख लोग डेली वो जलेबी पकाएंगे। नहीं, वो एक राहुल गांधी के लिए तालियां तो बनती है। चला वो एक फैक्ट्री में 20 लाख लोग, और ऐसी हजारों लाखों फैक्ट्रीज बनेंगी, हजारों लाखों, और कार्गो एयर के जरिए से जलेबी जो है वो फॉरेन कंट्रीज जाएगी, और फॉरेन कंट्रीज के बड़े बड़े डिप्लोमेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो हलवाई को अपॉइंट करेंगे कि मेरे लिए जलेबी बनाओ।
अच्छा तभी मैं कहूँ कि पाकिस्तान को कांग्रेस इतनी पसंद क्यों, अगर कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे वजीर आजम आपके मुल्क में आएंगे तो हमें तो आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी लगेगी, हमारी भी कुछ ऑब्वियसली ऐसी हिली जुली अब देखो, हरियाणा की जो जीत हुई है वो जनता ने मोदी जी को क्यों जिताया है? डेफिनेटली अंडर द करिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ आदरणीय प्रधानमंत्री, दिस हिस्टोरिकल जीत केम फ्रॉम हरियाणा। डेफिनेटली हम विकास से जीते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का स्लोगन क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ठीक है, जी जबरदस्त जी। हम अपनी योजनाओं से जीते हैं, हम अपने कार्यों से जीते हैं, हम अपने एफर्ट से जीते हैं। और हरियाणा के जाट ने आदरणीय जनाब जनाब हजरते आला राहुल गांधी जी को समझा दिया कि भैया ये तेरा जलेबी का कारोबार तू अपने पास रख, और ये जाति जनगणना का जो तू चूरन सबको बांट रहा है वो चूरन जी भी तू अपने पास रख। जैसे राहुल गांधी जी कभी 8,500 खटाखट का चूरन बांटते, कभी आलू से सोना निकालने का चूरन बांटते, और कभी जलेबी को खेती में और जलेबी हलवाई को फैक्ट्री में चेंज कन्वर्ट करने का चूरन बांटते हैं। तो मुस्लिम क्लेरिक और राहुल गांधी में मुझे कोई अंतर नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। इसलिए हरियाणा की जनता ने, हालांकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एंटी कंबेंसी जो है वो 10 साल से वहां पर चल रही थी, एक फेक र्यूमर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार, इंडिया अलायंस काम कर रहा था, बट दस साल की एंटी कंबेंसी के बावजूद भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और करिश्मेटिक आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से ये जीत हुई है। और हरियाणा के लोगों को मैं नमन करती हूँ, हर हर महादेव बोलती हूँ उन तमाम युवाओं को जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा को और भी खुशहाल, और भी इम्प्रूव, और भी डेवलप करने के लिए भाजपा को चुना। जबरदस्त, बिल्कुल जो है खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि हरियाणा में मोदी साहब का जी हैट्रिक हो गया है, तीसरी दफा हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। आज इंडिया के अंदर दोस्तों बात करें तो दो बहुत अहम स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, एक तो हरियाणा जिसमें बीजेपी जो है विन कर गई है, दूसरी जानब जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटा उसके बाद से लेके अब तक कश्मीर के अंदर इलेक्शन का फैसला नहीं हो रहा था। फिर अब 2024 में जो इलेक्शंस हुए इसके रिजल्ट भी जो है बहुत ज्यादा शॉकिंग रहे, क्योंकि अगर हम मोदी साहब की पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम को कवर भी किया हुआ है कि जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आया, जिस तरह से उनको एक प्रोजेक्ट दिया, उनको 14 बिलियन डॉलर का जो है उनको फंड दिया कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, और फिर जो मोदी साहब की जो कंपेन थी कश्मीर के अंदर, जैसे कई साल बाद श्रीनगर गए, फिर छोटे छोटे गांव गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीजेपी वहां विन नहीं कर पाई है। और अगर हम बात करें तो कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की अलायंस से 49 सीट जीती है, मतलब के उमर अब्दुल्ला सीएम बनेंगे, जो एक वाजिया पैगाम आ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सवाल तो पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नाजिया जी से पूछने जाएंगे, लेकिन सवाल ये भी यहाँ पे है कि कश्मीर में क्यों नहीं जीत पाए मोदी जी, क्या वजह? देखिए, सबसे पहले तो शैला, आपके चैनल के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप पाकिस्तान से बैठी हुई हैं और मैं भारत से बैठी हुई हूँ, जी मैं उमर अब्दुल्ला को और उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ, बहुत जबरदस्त। ठीक है, क्योंकि जो भी जीतता है, जीत और हार वो होता है, जैसे हम फेल एक नंबर से हो जाते हैं तो भी फेल होता है, और कोई टॉप एक नंबर से करता है तो वो भी टॉप होता है, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जबरदस्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री जी ने लोकतंत्र को और संविधान के दायरे में रह करके कश्मीर में इलेक्शन करवाया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर अगर केंद्र की सरकार चाहती तो कह देती कि अभी हम 1 साल 2 साल और नहीं इलेक्शन करवाएंगे, कह सकती थी, लेकिन बियॉन्ड द संविधान जाना ये आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि अपने हर ओथ में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सर मत्थे रखते हैं संविधान को, तो संविधान के अंडर बैरिकेड
जो भी निर्णय होता है वो जरूर लेते हैं। 370 हटाया गया था जिसका फायदा कश्मीर के लोगों को हुआ, और वो हमने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त में जो भी चैनल वाले उसको रिकॉर्ड कर रहे थे और जीरो ग्राउंड पर उतरे हुए थे, वो हमें दिखा भी कि कभी 9% भी वोटिंग नहीं होती थी, पर इस बार हैट्रिक हुआ है। हाँ, कि जो जम के वोट पड़ा, जम के वोटिंग हुई है, और जिन लोगों ने अपने 16, 18 साल, 19 साल की उम्र में वोट किया था, वो 70 साल की उम्र में आने के बाद अब फिर से वोट किए हैं, 56 साल की उम्र में आने के बाद वोट किए हैं, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारा, हमें तो वोट देना ही नहीं, देने के लिए निकलना ही नहीं पड़ता था क्योंकि पहले ही बम गोली चल जाता था, पर इस बार जितने सुकून से वोटिंग हुई है वो बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बहुत डीप वाली बात बताती हूँ जो सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता थी कि खाड़ी में उनकी सीट नहीं आएगी, ये बात पता थी भारतीय जनता पार्टी को, ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जहां जहां पर की वजह से कश्मीर में लेट मी कंप्लीट एकदम क्रिस्टल और क्लियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हर चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी को ये भी पता था कि अभी भी फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो खाड़ियों में और वैलीज में रह करके फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। अचानक से आपने देखा होगा कि अचानक से फारूक अब्दुल्ला जो है वो यासीन मलिक के लिए और अफजल उगरू के लिए रो रहे थे, और वो न्यूज काफी हाईलाइट हुआ था। तो बेसिकली वो यासीन मलिक के लिए या अफजल उगरू के लिए नहीं रो रहे थे, अफजल उगरू और यासीन मलिक के जो चेले चमुंडे थे उसको खुश करने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने एक पैगाम भिजवाया था कि तुम लोग साथ दो, हम सरकार में आएंगे तो हम तुमको फिर से थोड़ी सी छूट देंगे, थोड़ी सी छूट देंगे। अब आती है बात कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने फारूक अब्दुल्ला एनसी पार्टी का खुल करके समर्थन किया है, खुल करके समर्थन किया है, पर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मारा है और 29 सीटें हमने निकाली है, और एनसी के बाद सबसे ज्यादा वोट का परसेंटेज अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और आने वाले 5 साल के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत में सरकार होगी वहां पर, फुल बहुमत में सरकार। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाजिया खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।